श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सम्माननीय सभापति महोदय, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मेरी मांग उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, यदुवंशी शौर्य इतिहास, शौर्य का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं। यदुवंशी शौर्य गाथा का संक्षिप्त मैं वर्णन करूं, उसमें विशेषकर मैं अहिरवाल क्षेत्र का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जो दिल्ली के डाबर क्षेत्र से दक्षिणी हरियाणा और पूर्व उत्तरी राजस्थान तक ये क्षेत्र आता है। यदुवंशी समाज में जो समाज हल और हथियार से जिस समाज का बहुत पुराना नाता है, और ये अहिरवाल क्षेत्र, इस क्षेत्र में कण कण में, कोने कोने में, इस क्षेत्र में जय जवान जय किसान का नारा अगर गूंजता है, कहीं प्रतीक है, तो अहिरवाल क्षेत्र है। देशभक्त ये इलाका है। जब जब देश में कोई आक्रमण हुआ, इतिहास ये बताता है, चाहे वो 1398 तैमूर के आक्रमण के समय दुर्जन साल सिंह और जगराम सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया गया हो, चाहे वो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय रेवाड़ी नरेश राव बालकिशन के नेतृत्व में 5000 अहीर भाइयों ने सीमाओं की रक्षा करते अपना बलिदान दिया, या 1857 की क्रांति हो, जिस क्रांति में अहिरवाल नरेश राव तुलाराम जी के शौर्य गाथा को कौन नहीं जानता, उनकी वीर गाथा को, और अहिर भाइयों की वीर गाथा को कोई नहीं जानता, चाहे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और ब्रिटिश फौज ने उस समय अहिर भाइयों की भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोबारा से अहिर भाइयों के शौर्य को याद किया गया और 19,000 अहिर सैनिकों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 39,000 अहिर सैनिकों की भर्ती की गई। विक्टोरिया क्रॉस तोपखाने में अकेला हवलदार उमराव सिंह का शौर्य आज याद किया जाता है। लेकिन ये देशभक्त कौम है, और इसीलिए सिंगापुर में इन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत से बगावत की और INA सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में INA में अहिर सैनिकों ने भर्ती शुरू करी। चाहे आज़ादी के बाद का इतिहास हो, 1947-48 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को रोकते हुए रेजांगला 1962 रेजांगला की लड़ाई में 120 अहिर सैनिकों ने चीन 5000 चीनी सैनिकों से मोर्चा संभाला और चुशुल एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने का काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, या कारगिल की बात हो, अनेकों परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र अर्जित अहिर भाइयों ने किए। तो मेरा आपसे मांग है, जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा, अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं स्वयं आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ, मेरा भी इलाका पड़ता है, मैं 17 साल से सांसद हूँ, शायद ही कोई महीना ऐसा ना जाता हो कि बॉर्डर से कोई डेड बॉडी, कोई शहीद की डेड बॉडी वापस ना आती हो, और शहीद की प्रतिमा। दीपेंद्र जी, टाइम हो गया, राइट, थैंक यू।